अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अली। वेलकम बैक टू जेरिस। आज हम ये जानेंगे कि हम कैसे, जो आज रिज़ल्ट आया इंटर का पार्ट वन का, वो कैसे चेक करने हैं हमने। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले उन दोस्तों से रिक्वेस्ट की जाती है जिन्हें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स उनको मिलती रहें। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हमने रिज़ल्ट चेक करना कैसे है, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि आपके पास एक पैकेज होना चाहिए, वर्किंग पैकेज होना चाहिए, आपके पास नेट पैकेज होना चाहिए। तो फिर आपने फिर जाना है किसी भी कोई सॉफ्टवेयर खोल लेना है, या मेरे पास सिंपली या गूगल पे जाना है या क्रोम के साथ, जो भी आप जहाँ भी आप जाना चाहें तो आप जाने। और उसके बाद अगर आप चेक करना चाहते हैं भावलपुर बोर्ड का रिज़ल्ट चेक करना चाहते हैं, अगर आप भावलपुर बोर्ड से रिज़ल्ट चेक करना चाहते हैं तो आपने लिखना है BISEBWP। आपने ये नोट कर लेना है और यही बिल्कुल यही डायल करना है और कुछ भी इसके साथ डायल नहीं करना। इसके बाद आपके जो ऑफिशियल साइट मिले ना, पहली जैसे ये मिल रही है, पहले मुझे मिल रही है BISEBWP, तो आपने इसको खोल लेना है। इसको खोलने के बाद आपके सामने जो है वो इंटरफेस आ जाएगा रिज़ल्ट का, और आप इधर जो भी आपका रोल नंबर है वो आप रोल नंबर इधर इंटर करेंगे तो आपके पास जो है आपका सारा रिज़ल्ट आ जाएगा। ये देखें, तो आपने इधर क्या करना है, आपने अपना रोल नंबर जो है वो सेट करना है, इधर आपने डायल करना है वही नंबर, और जो है व्यू रिज़ल्ट पे जो है आप क्लिक करेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। अगर आपका कोई और बोर्ड है, मतलब सरगोधा बोर्ड है, तो आपने फिर सरगोधा बोर्ड इधर टाइप करना है। सरगोधा बोर्ड टाइप करने के बाद आपने जो है छोड़ देना है और कुछ भी टाइप नहीं करना, सरगोधा बोर्ड लिखना है सिर्फ। सरगोधा बोर्ड लिखने के बाद आपके पास जो पहली साइट आया आपने उसको खोल लेना है, सरगोधा बोर्ड की जो है। उस साइट को खोलने के बाद आपको वो रिज़ल्ट के ऊपर, ये देखिए रिज़ल्ट का पेज आ गया, तो आप इधर अपना रोल नंबर इंटर करके, या आपको पास अगर रोल नंबर आपको याद नहीं है तो सर्च बाय नेम का ऑप्शन मिल रहा है, आप सर्च बाय नेम भी कर सकते हैं। और अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन से हैं तो आप जो है अपने इंस्टीट्यूशन का रिज़ल्ट भी इधर खोल सकते हैं। और अगर को आपका नाम भी नहीं मिल, नाम से नहीं मिल रहा रिज़ल्ट, तो आप सर्च बाय इंस्टीट्यूशन के साथ कर सकते हैं। आपका डी जी खान बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है, आप इधर सर्च कर लें और वही डी जी खान बोर्ड है तो आप डी जी खान बोर्ड सर्च करें, और फिर जो पहली साइट आ जाए आपने उसको खोल के जो है ना आपने अपना रिज़ल्ट निकाल लेना है इसी तरह। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन लोगों का आज रिज़ल्ट आया है, जिन लोगों का अभी तक रिज़ल्ट नहीं पता चला या जो चेक करना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।